नमस्कार दोस्तों, ज्ञान सागर चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, लास्ट वीडियो में मैंने आपको कोडिंग डिकोडिंग को आसान पढ़ने के लिए कुछ चीज़ें बताई थीं। उनमें सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का क्रम आपको याद होना चाहिए कि पहले नंबर पर कौन आता है और सेकेंड नंबर पर कौन और थर्ड नंबर पर कौन आता है। दूसरा मैंने बताया था कि अंग्रेजी वर्णमाला का जो क्रम है वो विपरीत से भी आपको याद होना चाहिए कि पीछे से पहले नंबर पे कौन है, दूसरे नंबर पे कौन है और तीसरे नंबर पे कौन है। और तीसरा मैंने आपको बताया था कि विपरीत अक्षर आपको याद होने चाहिए कि ए के विपरीत कौन आता है और बी के विपरीत कौन आता है। तो आज हम बात करेंगे कि कोडिंग डिकोडिंग से किस तरीके के क्वेश्चंस बनते हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले टाइप का मैं बात करता हूं, यहां पे टाइप वन। टाइप वन में हम सीखेंगे कि अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों से कोडिंग। तो यहां पे हम पढ़ने वाले हैं कि अक्षरों से कोडिंग कैसे होती है या फिर एक शब्द को दूसरे शब्द में कैसे बदलते हैं कोडित करके। तो चलिए दोस्तों यहां पे मैं एक क्वेश्चन लेता हूं। पहला क्वेश्चन जो है वो मैंने लिया है, किसी सांकेतिक भाषा में फिश को एच के यू जे लिख देते हैं। कैसे? किसी सांकेतिक भाषा में फिश को एच के यू जे लिख दिया जाता है। तो इसी तरीके से रोज को क्या लिखा जाएगा? तो दोस्तों पहले हम यहां पे बात करते हैं कि इसने फिश को एच के यूजे कैसे लिखा है। तो यहां पे सबसे सरल तरीका होता है कि इनकी आप पहले नंबरिंग लिख लें। अगर हम नंबरिंग की बात करें तो एफ से बात करते हैं, एफ किस नंबर पे आता है? तो एफ का जो नंबर है वो सिक्स नंबर है, ये छठवें नंबर पर आता है। अगर हम आई की बात करें तो ये आता है आपका नौवे नंबर पे। एस की बात करें ये आता है उन्नीसवें नंबर पे। और एच की अगर हम बात करें तो एच आता है आठवें नंबर पे। ऐसे ही यहां पे ये जो बदला है इसकी बात करते हैं कि ये जो लेटर्स हैं यहां पे ये किन किन नंबर्स पे आते हैं। एच की बात करें तो एच आपका आता है आठवें नंबर पे, और के की बात करें तो के आता है आपका ग्यारहवें नंबर पे, यू की बात करें तो यू आता है आपका इक्कीसवें नंबर पे, और जे की बात करें तो जे आता है आपका दसवें नंबर पे। अब आप यहां पे देखिए और यहां पे देखिए इसने क्या किया है। पहला देखें यहां पे एफ जो है छठवें नंबर पे है, तो पहला यहां पे एच है जो कि आठवें नंबर पे आता है। तो यहां पे क्या किया है इसने, एफ को जब एच बनाया है तो एफ में क्या किया इसने, दो प्लस कर दिया है। छह में जब दो प्लस करेंगे तो आठ हो जाएगा। ठीक उसी तरीके से यहां पे इसने क्या किया है, आई में भी इसने दो ऐड किया है। नौ में दो ऐड करेंगे तो ग्यारह हो जाएगा। ठीक उसी तरीके से 19 में जब दो ऐड करेंगे तो 21। इस तरीके से एस को इसने बदल के यू लिख दिया है। इसमें भी क्या किया है, प्लस दो किया है। ऐसे यहां पे आठ, आठ जो नंबर है उस पे एच आता है, और एच को इसमें इसने क्या किया है, जे में कन्वर्ट कर दिया है। तो आठ से क्या कर दिया है, दसवां नंबर लिख दिया, मतलब जे। तो यहां पे भी इसने क्या किया है, प्लस का दो कर दिया है। तो यहां पे जो इसने नियम लगाया है, जो स्टेप इसने फॉलो किए हैं, वही हमें यहां पे करने हैं। जैसे इसने पहले में दो प्लस किया है, दूसरे में दो प्लस किया है, तीसरे में भी दो प्लस किया है और चौथे में भी दो प्लस किया है।
तो ऐसे ही हम यहां करेंगे। पहले हम जो ये लेटर लिखे हैं इनकी नंबरिंग लिखते हैं। जैसे आर जो है वो आता है आपका 18वें नंबर पे, ओ की बात करें ओ आता है आपका 15वें नंबर पे, एस आपका आता है 19 पे और ई आता है आपका 5 पे। अब हम क्या करें, इसमें दो जोड़े, 18 में अगर दो जोड़ते हैं तो 20 हो जाएगा और 20 पे क्या आएगा वो हम लिखेंगे यहां। तो 20 पे आता है आपका टी। ओ को देखें तो यहां पे ओ 15 पे है और 15 में जब दो जोड़ेंगे तो 17 और 17 पे आपका आता है क्यू। यहां पे बात करें एस, एस 19 पे आता है और 19 में जब दो जोड़ेंगे तो 21 हो जाएगा और 21 पे आता है आपका यू। यहां पे ई की बात करें, ई 5 पे है और 5 में जब दो जोड़ेंगे तो आएगा 7 और 7 पे आता आपका जी। इस तरीके से हम रोज को टी क्यू यू जी में बदल सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि किसी सांकेतिक भाषा में फिश को ये लिखा जाता है तो रोज को हम टी क्यू यू जी लिख सकते हैं। आर को बदलेंगे हम टी में प्लस 2 करके, ओ को बदलेंगे क्यू में प्लस 2, एस को बदलेंगे यू में प्लस 2 और ई को बदलेंगे जी में प्लस 2। इस तरीके से अब बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की। दूसरा क्वेश्चन क्या है, यहां पे किसी सांकेतिक भाषा में सिस्टर को किसी दूसरे शब्द में बदल देते हैं हम। जैसे यहां पे मैं क्या करता हूं, यहां पे मैंने क्या किया है कि यहां पे सिस्टर को आर एच आर एस डी क्यू में बदल दिया है। तो ये क्वेश्चन कैसे आएगा कि किसी सांकेतिक भाषा में या किसी कोड भाषा में सिस्टर को अगर हम ये लिख दें तो यहां पे मैं दूसरा शब्द ले रहा हूं, कोई भी आपको दूसरा शब्द देगा, जैसे ब्रदर को क्या लिखा जाएगा। तो यहां पे पहले हम इसमें चेक करेंगे कि सिस्टर को इसने कैसे बदला है, क्या नियम लगाया है इसने, कौन सा स्टेप फॉलो किया है इसने। तो यहां पे सबसे पहले क्या करेंगे हम, वही इसकी नंबरिंग लिखेंगे। एस आता है आपका 19 पे, आई आता है 9 पे, फिर से एस है तो 19 पे, टी है तो 20 पे, ई है तो ई कितने पे आता है 5 पे, आर कितने पे आता है, आर आता है 18 पे। अब यहां पे इनकी बात करें कि ये किस किस नंबर पे आते हैं, आर आता है आपका 18वें पे, एच की बात करें एच आता है आपका 8वें नंबर पे, आर आता है 18वें पे, एस आता है आपका 19 पे, डी आता है 4 पे और क्यू आता है 17 पे। जब आप इन दोनों को देखोगे तो इन दोनों में क्या दिख रहा है, यहां पे पहला देखें तो 19वें नंबर पे है और जब यहां देखोगे आर तो आर है 18वें नंबर पे, दूसरा 9 पे है, दूसरा यहां 8 पे है, तीसरा यहां 19 पे है, तीसरा यहां 18 पे है। मतलब इसने क्या किया है कि पहले से पहले को देखें तो माइनस 1 किया है, दूसरे को देखें तो इसमें भी क्या किया है 9 से 8 कर दिया है माइनस 1, तीसरे को देखें तीसरे पे क्या किया इसने माइनस 1, चौथे को देखें चौथे में भी 20 से 19 हो गया है माइनस 1 किया है, पांचवे को देखें पांच में भी माइनस 1 किया है 5 से 4 कर दिया है और इसको देखें इसमें क्या किया है 18 से 17 कर दिया है, तो इसमें भी इसने क्या किया है माइनस 1 कर दिया है। तो यहां पे एक ही नियम लगाया है, क्या है वो, सभी से इसने एक एक कम करके लिख दिया है। तो वही हम यहां पे करेंगे, यहां पे पहले इनकी नंबरिंग लिख लेंगे हम, जैसे बी आता है दूसरे नंबर पे, किस पे आता है दूसरे पे, आर आता है आपका
18 पे, ओ आता है 15 पे, टी आता है 20 पे, एच आता है 8 पे, ई आता है 5 पे और आर आता है 18वें पे। अब हमें क्या करना है, एक एक कम करके इसको लिख देना है। कैसे, बी है तो बी को एक कम करेंगे, तो दो से एक कम करेंगे एक, तो एक नंबर पे आता है आपका ए। 18 आर है तो आर 18 पे आता है, 18 से जब एक कम करेंगे तो 17, और 17 पे क्या आता है आपका क्यू, तो इसको लिख देंगे हम क्यू। यहां पे 15, 15 पे ओ है तो 15 से जब एक कम करेंगे तो आएगा 14, और 14 पे आता है यहां पे एन। अब बात करें अगले की, तो अगला 20 है, 20 से एक कम करेंगे तो 19, और 19 पे आता है आपका एस। अगले की बात करें, एच है जो कि 8 पे आता है, इससे एक कम करिए 7, और 7 पे आएगा आपका जी। अगला है ई, 5 पे आता है, एक कम करेंगे 4, और 4 पे आएगा आपका डी। अगला है आर, 18 पे आता है, एक कम करिए 17, और 17 पे आएगा आपका क्यू। तो यहां पे हम ब्रदर को ए क्यू एन एस जी डी क्यू लिख सकते हैं। किस तरीके से, इससे जब एक कम किया तो एक आया, ए आया सॉरी, आर से जब एक कम किया तो क्यू आया, 18 से एक कम करेंगे तो 17, 15 से एक कम किया एन आया जो कि 14वें नंबर पे है, 20 से एक कम किया 19, और 19 पे आता आपका एस। एच से एक कम किया जी जो कि आता आपका 7वें नंबर पे। यहां पे ई है जो कि 5वें पे आता है, उसमें से एक कम करेंगे तो वो आएगा 4। आर है 18वें पे है, इसमें से एक कम करेंगे तो 17, और 17 पे आता आपका क्यू। इस तरीके से, तो यहां पे मैंने आपको ये दो तरीके बताए हैं कि या तो आपसे प्लस करके पूछ लेगा या फिर आपसे माइनस करके पूछ लेगा। आप प्लस में एक भी कर सकता है, दो भी कर सकता है, तीन भी, चार भी, पांच भी, माइनस भी ऐसे ही कर सकता है, चाहे वो एक दो तीन चार पांच, वो जितना करना चाहे कर सकता है। तो पहला होता है आपका प्लस करके पूछ सकता है, दूसरा होता है माइनस करके पूछ सकता है। अब हम तीसरे टाइप की बात करते हैं, यहां पे और किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो यहां पे मैं एक क्वेश्चन और लेता हूं, जैसे मैंने यहां पे लिखा पैरट, किसी सांकेतिक भाषा में या किसी कोड भाषा में पैरट को ए पी डबल आर टी ओ लिख देता है। किसी सांकेतिक भाषा में क्या कर रहा है, पैरट को ए पी डबल आर टी ओ लिख देता है। तो यहां पे के आई डी एन ई पी, इसको क्या लिखा जाएगा। तो यहां पे हम क्या करेंगे, यहां पे आप देखिए ऊपर वाले शब्द को देखिए और नीचे वाले शब्द को देखिए, लेटर दोनों में सेम है, पी ए ए पी डबल आर डबल आर ओ टी टी ओ, तो लेटर तो सेम है, तो इसने कौन सा नियम फॉलो किया वो हमें चेक करना है। यहां पे ए दूसरे नंबर पे है, यहां पे ए पहले नंबर पे है, तो इसने क्या किया है, ए पहले नंबर पे ले लिया है, पी पहले पे था तो उसने पहुंचा दिया उसे दूसरे नंबर पे, मतलब दूसरा पहले पे ले लिया और पहला दूसरे पे पहुंचा दिया। आर दोनों में सेम रखा है इसने, अपने स्थान पे ही है दोनों की दोनों। अब लास्ट में क्या किया है, टी लास्ट में है, एक पहले कर लिया है, ओ एक पहले है तो लास्ट में पहुंचा दिया है। तो यही हमें यहां फॉलो करना है, कैसे, आई को लेंगे पहले और के को कर देंगे बाद में, ये हो गया। बीच वाले दोनों सेम है, यूं के यूं ही उतार दो इस तरीके से। लास्ट में भी क्या किया है, लास्ट का पहले ले लिया है और एक पहले का लास्ट में पहुंचा दिया है इस तरीके से। तो यहां पे आपसे ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आपको लेटर्स दे देगा, उनको आगे पीछे कर देगा। अब बात करते हैं, एक और सवाल लेता हूं मैं यहां पे, एक और सवाल लिया मैंने यहां पे, जैसे
सी ओ ओ एल किसी सांकेतिक भाषा या किसी कोड भाषा में कूल को एक्स एल एल ओ लिख दिया जाता है। तो यहां पे हम बात करते हैं, अब दूसरा शब्द देगा आपके लिए स्लो को क्या लिखा जाएगा। किसी सांकेतिक भाषा में अगर कूल को एक्स एल एल ओ लिख देता है तो स्लो को क्या लिखा जाएगा। तो यहां पे जब देखोगे इस क्वेश्चन में तो क्या है, इसमें विपरीत अक्षर उसने लिखा है। यहां पे जब देखें तो सी का जो विपरीत अक्षर होता है वो होता है एक्स, और ओ का जो विपरीत होता है वो होता है एल। ये एक और ओ है तो इसका फिर से उसने एल ले लिया है, और एल का विपरीत होता है आपका ओ। तो यहां पे भी हमें क्या करना है, विपरीत अक्षर ही लिख देने हैं जैसे उसने यहां पे लिखे हैं। तो यहां पे सबसे पहले हम एस देखें तो एस का विपरीत क्या है, तो एस का विपरीत होता है आपका एच। तो एस का विपरीत हमने लिखा एच। एल का विपरीत, एल का विपरीत यही लिखा हुआ है तो एल का विपरीत क्या होता है ओ। अब बात करें ओ, ओ का विपरीत क्या होता है एल। अब बात करें डब्ल्यू, डब्ल्यू का विपरीत क्या होता है डी होता है। डब्ल्यू का विपरीत क्या होता है डी। तो यहां पे स्लो को हम होल्ड लिख सकते हैं। तो यहां पे हमने पढ़ा कि अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों से कोडिंग से क्वेश्चन अगर पूछा जाए तो उन क्वेश्चंस को हम कैसे करते हैं। अब बात करेंगे कि संख्याओं से कोडिंग के सवाल जो होते हैं उनको हम कैसे करेंगे। तो उससे पहले मैं क्या कर रहा हूं, मिटा देता हूं उसको, उसके बाद आपको बताऊंगा। तो अब बात करते हैं हम कि संख्याओं से कोडिंग से सवाल किस तरीके के आते हैं। तो दूसरा जो हमारा होगा वो होगा संख्याओं से कोडिंग, संख्याओं से कोडिंग इससे सवाल कैसे आते हैं। देखिए एक क्वेश्चन यहां पे फिर से ले रहा हूं मैं कि सी ए पी किसी कोड भाषा में सी ए पी को सी ए पी को हम लिख देते हैं किसी कोड भाषा में 20। तो इसी तरीके से बी ए टी को क्या लिखा जाएगा। तो यहां पे जब देखें तो यहां पे इसने क्या किया है, तो यहां पे देखिए सी जो आता है वो आता है आपका तीन नंबर पे, ए की बात करें तो ए आता है आपका पहले ही नंबर पे, और पी आता है आपका 16वें नंबर पे। तो यहां पे 20 कैसे आया है ये अब आपको पता चल गया होगा, 3 प्लस 1 4 और 4 प्लस 16 20, इस तरीके से आया यहां पे 20। मतलब क्या किया है, इनकी जो नंबरिंग है उसी को इसने क्या कर दिया है, ऐड कर दिया है। तो यहां पे भी हम क्या करेंगे, ये किस नंबर पे आता है, ये आता है दूसरे नंबर पे, और ये आता है आपका पहले नंबर पे। अगर T की बात करें तो T आता है आपका 20वें नंबर पे। अब करना क्या है, हमें इनको जोड़ देना है बस। तो कितना आएगा, 20 एक 21 और दो 23। तो अगर इस तरीके से आपसे सवाल पूछ लिए जाए तो आसानी से आप चेक कर सकते हो कि उसकी नंबरिंग को टोटल किया है या फिर उनमें से घटाया है या मल्टीप्लाई करके भी इससे पूछ सकता है। और दूसरा सवाल लेता हूं मैं यहां पे कोई और तरीके का, जैसे यहां पे लिया मैंने किसी कोड भाषा में ए को 5 लिखते हैं, एन को 10 लिखते हैं और पी को 6 लिखते हैं, उसके बाद
टी को यहां पे, टी को लिखते हैं यहां पे 5। यहां पे क्या कह रहा है ये कि किसी कोड भाषा में ए को 5 लिखा जाता है, एन को 10 लिखा जाता है और पी को 6 लिखा जाता है, टी को 5 लिखा जाता है। तो इसी तरीके से पटना को क्या लिखा जाएगा। तो इस तरीके के क्वेश्चंस में क्या करते हैं, इसकी वैल्यू डायरेक्ट दी हुई थी, ए का नंबर यहां 5 दिया हुआ है, एन का 10 दिया है, पी का 6 दिया है और टी का 5 दिया है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस में हमें डायरेक्ट लिख देना होता है। जैसे पी को क्या लिखा है इसने, 6 लिखा है पी को, ए को क्या लिखा है इसने, 5 लिखा है, टी को इसने क्या लिखा है, टी को इसने यहां पे 5 ही लिखा है। इसको चेंज कर देते हैं यहां पे, जिससे अलग हो, टी को यहां पे कर देते हैं 7। तो यहां पे टी को क्या लिख दिया इसने, 7 लिख दिया है। एन को इसने लिखा है 10 और ए को इसने क्या लिखा है, 5 लिखा है। ए इसमें दो बार आ गया है तो फिर से यहां पे हम 5 ही लिख देंगे। तो यहां पे इस तरीके के क्वेश्चंस को ऐसे हम आसानी से कर सकते हैं कि किसी सांकेतिक भाषा में ए को 5, एन को 10, पी को 6 और टी को अगर 7 लिखें तो पटना को क्या लिखा जाएगा, या फिर कोई दूसरा शब्द दे दे उसको क्या लिखा जाएगा। तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। और क्वेश्चन लेता हूं मैं यहां पे, किसी सांकेतिक भाषा में हॉस्पिटल, हॉस्पिटल को ये लिख दिया है, या फिर यहां पे इनको बदल लेते हैं। देखिए कैसे, जैसे मैंने यहां पे इसको 9 बना दिया और यहां पे इसको 4 तो है ही, इनको चेंज कर देते हैं यहां पे 8 बना दिया और यहां पे 3 बना दिया। इस तरीके से हॉस्पिटल को अगर किसी सांकेतिक भाषा में यह लिख दिया जाता है तो दूसरा शब्द देगा अब आपके लिए कि पोस्टल को क्या लिखा जाएगा। अगर किसी सांकेतिक या किसी कोड भाषा में हॉस्पिटल को 5, 4, 6, 7, 9, 2, 8, 3 लिखा जाता है तो पोस्टल को क्या लिखा जाएगा। तो यहां पे क्या होता है, डायरेक्ट ही सेम इसी की तरह ये जो है नंबरिंग दे दी होती है। जैसे H को क्या लिख दिया, 5, O को क्या लिख दिया, 4, S को क्या लिख दिया, 6, P को क्या लिख दिया, 7, I को क्या लिख दिया, 9, T को क्या लिख दिया, 2, A को क्या लिख दिया, 8 और L को क्या लिख दिया, 3। तो पोस्टल को क्या लिखा जाएगा। तो P की बात करें, P किस P की बात करें, यहां पे सबसे पहले है P, तो P यहां से चौथे नंबर पे है, चौथे नंबर पे क्या आ रहा है, 7, तो यहां पे P को हम 7 लिख सकते हैं, 7। अब बात करें O की, O दूसरे नंबर पे यहां है तो यहां पे दूसरे नंबर पे है 4। अब बात करें S की, S तीसरे नंबर पे है और यहां पे तीसरे नंबर को उसने लिखा है 6। इस तरीके से T की बात करें तो T यहां से पांचवे पे है, तो यहां से जब पांचवे की बात करेंगे तो यह है 9। अगर A की बात करें तो यहां पे है सेकंड लास्ट और सेकंड लास्ट यहां पे लिखा है उसने 8। अगर L की बात करें तो लास्ट में ही है तो यह है 3। तो किसी सांकेतिक भाषा में अगर हॉस्पिटल को 5, 4, 6, 7, 9, 2, 8, 3 लिखा जाता है तो पोस्टल को 7, 4, 6, 9, 8, 3 लिखा जाएगा। और अलग तरीके के क्वेश्चन की बात करूं जिसमें आपका लेटर भी हो और संख्या भी हो, अब हम एक ऐसा क्वेश्चन लेते हैं। देखिए जैसे मैंने यहां पे एक शब्द लिया है नेपाल, किसी सांकेतिक भाषा में नेपाल को N5P1
एल लिखा जाता है। तो किसी सांकेतिक भाषा में नेपाल को N5PIL या P1 लिखिए, P1L लिखा जाता है। तो यहीं पे दूसरा शब्द होगा आपके पास, उसको क्या लिखा जाएगा? दूसरा शब्द क्या है यहां पे मैं ले लेता हूं, जैसे कोई भी शब्द ले लो। यहां पे शब्द मैंने लिया इंडियन, इसको क्या लिखा जाएगा? तो यहां पे देखिए, इसने यहां पे क्या किया है, पहला जो लेटर है वो यू के यू लिख दिया है, दूसरे की इसने क्या की है, नंबरिंग लिखी है। ई जो है वो पांच नंबर पे आता है तो पांच नंबर लिख दिया है। तीसरा इसने क्या किया है, तीसरा फिर से लेटर लिख दिया है, और चौथे का इसने नंबर लिख दिया है, और पांचवा फिर से लेटर लिख दिया है। तो यही स्टेप हम यहां फॉलो करेंगे, पहला लेटर है तो पहले को लेटर ही लिख दो, दूसरे की नंबरिंग। एन किस पे आता है, एन आता आपका 14वें नंबर पे। डी की बात करें तो डी को डी ही रहने देते हैं। आई की बात करें तो आई आता है आपका 9वें नंबर पे। ए की बात करें तो ए को यूं ही रहने दो, और एन की बात करें तो एन आता आपका 14वें नंबर पे। तो अगर नेपाल को किसी कोड भाषा में N5P1L लिख रहा है, तो इंडियन को I14D9A14 लिखा जाएगा। तो संख्याओं से कोडिंग से सवाल किस तरीके से आते हैं यह मैंने आपको बता दिया है। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट टाइप की, कि अगला टाइप कौन सा है और उससे सवाल किस तरीके से आते हैं। उससे पहले हटा देता हूं उसको। तो मैंने आपको बता दिया है कि संख्याओं से कोडिंग से सवाल किस तरीके से आते हैं। तो नेक्स्ट हम जो अगली वीडियो लाएंगे उसमें आपको और भी इसके टाइप कराएंगे कि उनसे सवाल आपके किस तरीके से पूछे जाते हैं। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।